हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज सरन, यू आर वाचिंग टैंगी बी। सो गाइस, आज मैं एक काफी फेमस जगह पे आया हूँ। आई एम इन जेपी नगर। यहाँ पे एक बहुत फेमस आउटलेट, इसको बोलते हैं ये श्याम जी के छोले भटूरे। ये काफ़ी फेमस आउटलेट है, ये काफ़ी अच्छे दिल्ली स्टाइल छोले भटूरे देते हैं। इनका मैंने काफ़ी नाम सुना है बैंगलोर में, काफ़ी बड़े बड़े पनीर वाले भटूरे देते हैं। बैंगलोर में आपको पनीर के भटूरे नहीं मिलते हैं, लेकिन ये इनके जो भटूरे होते हैं बेसिकली पनीर की स्टफिंग डाल के बनाते हैं, पनीर वाले भटूरे। और इनके काफ़ी दिल्ली स्टाइल छोले होते हैं विद आलू एंड तरह के दो तीन तरह के अचार और प्याज चटनी वगैरह देते हैं। तो आज मैं उसे ट्राई करने आया हूँ। साथ में इनकी लस्सी है और काफ़ी कुछ डेजर्ट्स भी रखते हैं ये, तो हम आज उसे ट्राई करेंगे। मेरे पीछे अगर आप देखें तो ये है उनका आउटलेट, जेपी नगर का आउटलेट। इनके बैंगलोर में कई सारे आउटलेट, अराउंड 5 आउटलेट हैं। जेपी नगर सबसे पहला आउटलेट था जिनका बैंगलोर में आया, इसलिए मैं यहीं पर ट्राई करने आया देखने के लिए कि इनका वो पुराना टेस्ट आज तक मेंटेन है कि नहीं है। तो आइए जाके देखते हैं, अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं और इनके छोले भटूरे को ट्राई करते हैं। आइए अंदर चलते हैं। तो गाइस, हमारा ऑर्डर आ गया है। हमने इनके ऑर्डर किए हैं एक फुल प्लेट छोले भटूरे, जिसमें गर्म गर्म भटूरे मिलते हैं, साथ में ये छोले, थोड़ा सा आलू, आपको यहाँ पे प्याज मिलेगी, अचार मिलेगा और ये हरी चटनी मिलेगी। साथ में मैंने ये इनकी मलाई लस्सी भी ऑर्डर की है, जो कि बहुत बढ़िया पैकेजिंग में आ रही है, देखने में बढ़िया लग रही है। आइए सब चीज़ को ट्राई किया जाए। लेट्स स्टार्ट विद भटूरे। अगर आप देखा तो कितने फूले हुए भटूरे हैं, वो मज़ा आता है उंगली मार के फोड़ने में। वाह, अगर आप देखें जैसे हमने प्रिपरेशन में अगर आप देखें, उन्होंने इसके अंदर बहुत पनीर डालते हैं। अगर आप देखें अंदर काफ़ी कुछ पनीर मिल जाएगा, डिसेंट क्वांटिटी। आइए इसको टेस्ट किया जाए, मतलब थोड़ा सा भटूरा लिया जाए, इसकी एक बाइट प्रिपेयर करते हैं। मैं थोड़े से छोले लूँगा। छोले काफ़ी बढ़िया देखने में लग रहे हैं। थोड़ा सा आलू लेते हैं, एक गाजर का अचार, थोड़ी सी प्याज, थोड़ी सी हरी चटनी। ठीक है, धमाकेदार बाइट प्रिपेयर करते हैं। क्या शानदार लग रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत मज़ेदार है। छोले में हल्का सा खट्टापन है, मोस्टली बिकॉज ऑफ आमचूर। बहुत बढ़िया, मिर्ची का अचार, हाँ एक अलग सा किक दे रहा है। एक बाइट और लूँगा, एक बाइट और बनती है। अगर आप देखें कितने क्रिस्पी करारे टाइप के भटूरे हैं इनके, पनीर की डिसेंट क्वांटिटी के साथ, टेस्ट में बहुत बढ़िया लग रहे हैं। थोड़े से छोले लेते हैं आलू के साथ, थोड़ा सा गाजर का अचार। लेट्स टेक दिस। बहुत बढ़िया लग रहा है, भटूरे काफ़ी अच्छे हैं, छोलों का टेस्ट काफ़ी अच्छा है। मैं आपको छोले दिखाऊं कैमरा में, देखने में काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं। आगे इसको ट्राई किया जाए। काफ़ी बढ़िया है, मेरे हाथ रुक नहीं रहे हैं इसको तोड़ने से, खाने से। बहुत बढ़िया। सो गाइस, आइए डेजर्ट्स ट्राई करें। ये है हमारा रबड़ी विद गुलाब जामुन। आपको रबड़ी ऐसे कुल्हड़ में आएगी, मैंने इसको उसमें डाल दिया है अभी। आइए इसको ट्राई किया जाए, थोड़ी सी रबड़ी डालते हैं गुलाब जामुन के ऊपर। वाह, क्या बढ़िया दिख रहा है, गर्मा गर्म गुलाब जामुन, ठंडी ठंडी एकदम रबड़ी। अगर आप कैमरा पास ला के देखो तो गुलाब जामुन अंदर से कितना ही बढ़िया दिख रहा है। रबड़ी से इसको लबालब कर देते हैं,
आइए इसको ट्राई किया जाए। वाह, देखने में बहुत बढ़िया दिख रहा है ये। आइए इसको ट्राई किया जाए। बहुत बढ़िया, गर्मा गर्म गुलाब जामुन है, एकदम सॉफ्ट है, साथ में ठंडी रबड़ी, टेस्ट काफ़ी अच्छा आ रहा है, बहुत मज़ेदार है। गाइस आइए इसके बाद हमारी मलाई लस्सी, जो कि मैंने दिखाया, देखने में बहुत बढ़िया लग रही है, इसको ट्राई किया जाए। खूब सारी इसमें ड्राई फ्रूट्स भी हैं। वाह, बहुत बढ़िया टेस्ट है, मज़ा आ रहा है। मैं इसे फिनिश करता हूँ, उसके बाद फिर आपसे मिलता हूँ, बताता हूँ मेरे यहाँ का रिव्यू फाइनल क्या रहेगा, क्या एक्सपीरियंस कैसा रहा, उसको हम नेक्स्ट सेगमेंट में डिस्कस करते हैं। सो गाइस, मेरा शामली छोले भटूरे का एक्सपीरियंस काफ़ी बढ़िया रहा। मैंने यहाँ पे इनके गर्मा गर्म पनीर स्टफ छोले भटूरे ट्राई किए थे, जिनके भटूरे थे वो पनीर स्टफ थे, साथ में जिनके छोले थे दिल्ली स्टाइल, हमने उसका प्रिपरेशन दिखाया जो कि किस तरह कितनी मस्त तरह से बनाते हैं इसको, इनके जो भटूरे जैसे ये इसको फिलिंग दे रहे थे, बहुत बढ़िया लग रहा था देखने में, और टेस्ट में काफ़ी बढ़िया था। भटूरे काफ़ी क्रिस्पी थे, करारे थे, और छोले टेस्ट में काफ़ी अच्छे थे, साथ में जो अचार वगैरह उसका टेस्ट काफ़ी अच्छा रहा था, जो मिर्ची का ज़्यादा था वो एक अलग सा एक हिट कर रहा था, गाजर का ज़्यादा था, मूली का ज़्यादा था, उसका टेस्ट काफ़ी अच्छे थे। सो ओवरऑल एक्सपीरियंस काफ़ी बढ़िया रहा। मैंने इनकी लस्सी ट्राई की, उसका भी टेस्ट काफ़ी अच्छा रहा, इनकी मलाई लस्सी जब काफ़ी ड्राई फ्रूट ज़्यादा आती है, और फिर मलाई की एक लिपुर प्रॉपर लेयर रहती है, टेस्ट में काफ़ी अच्छी लगती है। साथ में आपको इनका गर्मा गर्म गुलाब जामुन और रबड़ी मिलता है, जो कि टेस्ट में काफ़ी अच्छा था, मतलब ठंडे ठंडे गर्मा गर्म गुलाब जामुन थे, साथ में ठंडी रबड़ी थी, उसको डाल के खाने में काफ़ी मज़ा आ रहा था। तो ओवरऑल आज का मेरा संडे काफ़ी अच्छा रहा। मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा, अगर आप बैंगलोर में हैं ये जगह डेफिनेटली आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप दिल्ली स्टाइल छोले भटूरे खाने मतलब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं बैंगलोर में, अगर आपको खाने का चाहते हैं लेकिन मिल नहीं पा रहा है, दिस इज़ वन ऑफ द प्लेस। इनकी कई सारी ब्रांचेस हैं बैंगलोर में, ये जेपी नगर इनकी फर्स्ट ब्रांच थी जो इन्होंने एस्टेब्लिश की थी, इनकी अभी इन्हें रिसेंटली इन्होंने लॉन्च किया है इलेक्ट्रॉन सिटी में भी, जिसका इन सबका डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन कर दूंगा, अगर आपके लोकेशन के पास जो भी जगह है उसको चेकआउट कर सकते हैं। इनके पास में नहीं है फिर भी आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि एक वीकेंड में जरूर यहाँ पे अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ आएँ, इस जगह को ट्राई करें, इनके खाना ट्राई करें, इनके छोले भटूरे डेफिनेटली वर्थ गिविंग अ ट्राई। डेट्स ऑफ टुडे, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको फिर से मिलेंगे किसी नई जर्नी पे, कुछ नई चीज़ें एक्सप्लोर करते हुए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।